प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परित्यक्ता पत्नी जसोदा बेन ने गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल के बयान पर अपनी नाराजगी जताई है। आनंदी बेन वर्तमान समय में मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं और उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अविवाहित बताया था, जिस पर नाराजगी जताते हुए जसोदा बेन ने मोबाइल फोन के जरिए एक वीडियो बनाकर कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आनंदी बेन ने अशोभनीय बात कही और प्रधानमंत्री की छवि खराब की। नरेंद्र मोदी मेरे लिए राम जैसे हैं। जी आनंदी बेन शिक्षित होवा छतां पण एक शिक्षिकाना जीवन विषे अभद्र वाणी वर्तन ने व्यवहार जे दिव्य भास्कर गुजरात में 1968 ना रोज पहला पाना पर आपे छे ते तद्दन जुठ्ठू छे। मारा पति खरेखर राम जेवा छे, तेमने बदनाम करी राजकारण रमवानू बंद करो। जसोदा बेन नु अपमान एटले भारत ना वडाप्रधान नु अपमान थाय छे। जयरे आप 2014 में जयरे मुख्यमंत्री हता तेना पहलो वडाप्रधान पदना दावेदार माननीय श्री मोदी साहेब जयरे लोकसभा की चूंटनी में वडोदरा वासे खाते फॉर्म भरती वखते पत्नी ना पान खाना में मारू नाम लखेल छे। जसोदा बेन ने कहा कि जब उन्होंने आनंदी बेन का ये बयान अखबारों में देखा तो उन्हें बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई और इसी वजह से उन्होंने इस खबर का जवाब देने का फैसला किया। दरअसल आनंदी बेन ने आंगनबाड़ी केंद्र में महिलाओं से कहा था कि नरेंद्र मोदी ने शादी नहीं की है, लेकिन अविवाहित रहते हुए भी इस बात को समझते हैं कि महिलाओं और बच्चों को दिक्कत होती है।